नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेक रोबस में। तो दोस्तों बात करेंगे आज हाउ टू डिजाइन ग्लास इन सीमेंस NX 12.0। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को मैं आपको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं ग्लास डिजाइन इन NX CAD। के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको जो नाम डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे ग्लास बना है तो मैं ग्लास डाल देता हूँ, देन ओके। स्केच के ऊपर सिलेक्ट करो, देन ओके। देन एक सर्कल निकालना है, सिंपल यहाँ पे एक सर्कल निकालते हैं, देन उसको डायमेंशन दे देते हैं 65 mm। ओके क्लोज। देन इसको फिनिश करके एक्सट्रूड कर देते हैं। कितने से एक्सट्रूड करना है इसको? 90 mm से। देन ओके। इसको हाइड कर दो स्केच को। देन अभी यहाँ पे फेस सिलेक्ट करके यहाँ पे एक स्केच निकालना है आपको। इसको इस साइड चाहिए मुझे, देन यहाँ पे जाके दिस पे सिलेक्ट नो अपोजिट। ओके, यहाँ पे एक सिंपल एक सर्कल निकाल दो। ओके मत लो ये सर्कल, यहाँ पे अपन डायरेक्ट प्रोजेक्शन कर देते पार्ट्स को। सर्कल नहीं लिया तो भी चलेगा, डायरेक्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके सिलेक्ट क्लिक कर दो फेस के ऊपर, देन ओके। देखो आ गया प्रोजेक्शन। देन यहाँ पे एक हेक्टागन लेना है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 8 डाल देनी है, देन 8। देन यहाँ पे सर्कमस्क्राइब रेडियस चाहिए, ओके यहाँ पे स्केच कर दो, ओके देन क्लोज। देन यहाँ पे ट्रिम कर दो सभी, जो एक ही स्केच चाहिए अपने को, अपन उसके बाद इसको पैटर्न कर देंगे। डिलीट डिलीट, देन क्लोज। आ चुका है स्केच, ओके फिनिश। देन यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कट करना है अपने को, इसको एक्सट्रूड कट करना है। यहाँ पे 50 mm डाल दो कट आउट। देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, देन ओके। ये हो चुका है, इसको हाइड कर दो। अभी ए पार्ट को आपको पैटर्न करना है, सिलेक्ट एंड पैटर्न फीचर्स। पैटर्न फीचर में सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्कुलर रखना है लेआउट, एंड यहाँ पे 360 / 8 पार्ट्स चाहिए, तो 8 करना है सर्कुलर। स्पेसिफाइड वेक्टर आपको ए सिलेक्ट करना है, देन पॉइंट सर्कुलर के ऊपर सिलेक्ट कर दो, देन अप्लाई, देन ओके कैंसिल। ये देखो आ गया। अभी आपको ए पार्ट्स को ड्राप करना है, तो ड्राप कैसे करते हैं देख लीजिए बराबर। सबसे पहले वेक्टर के ऊपर सिलेक्ट करना है, देन सिलेक्ट नीचे वाला फेस, ए वाला फेस सिलेक्ट कर दो, एंड सिलेक्ट वन ए फेस सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, क्या हो गया वो थोड़ा हैंग हो चुका है पीछे, सॉरी। ओके इसको कैंसिल कर दो, फिर से अपन रीसेट कर दो, डबल से ले लेते हैं। सेम प्रोसेस करना है, वेक्टर सिलेक्ट कर दो, देन सिलेक्ट फेस,
देन सिलेक्ट एफएस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देन 9 ओके। देन इसको एंगल दे दो -5 नहीं थोड़ा ज़्यादा दे दो -8 ओके देन ओके ओके टैपर हो गया है इंक्लाइन थोड़ा ओके। ग्लास शेप आ चुका है अभी थोड़ा सा ठीक है। अभी बाकी फिलेट्स वगैरह देना बाकी है। चलो अभी इसको 8 फिलेट दे देते हैं। यहाँ पे आपको फिलेट वैल्यू डाल देनी है, एक बार देख लो चेक करके 10 का बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे 8 कर देते हैं ओके। सभी को 8 ठीक है, फिलेट दे देते 8 का ओके। आ गया फिलेट देन अप्लाई देन अगेन फिलेट देना है आपको यहाँ पे देख लो एक बार ठीक है। राउंड से बराबर आ चुका है। अगेन सिलेक्ट फिलेट देन यहाँ पे अभी 7 का फिलेट देंगे धीस साइड ओके। सिलेक्ट सभी साइड को दे दो। बहुत ही इजी है, दिखने में इसे डिफिकल्ट लगता है लेकिन इसके डिज़ाइन बहुत ही इजी है ग्लास की ओके। देन ओके हो चुका है। चलो अभी इसको ऊपर से सेल कर देते हैं। 4 से थिकनेस देनी है सेल की। सिलेक्ट फेस देन 4 देन अप्लाई ओके ठीक है। देखो सेल हो चुका है। देन फिलेट दे देते हैं क्योंकि शार्प एजेस नहीं चाहिए। शार्प एजेस लेंगे तो हार्ट वगैरह कटने का चांस होता है, तो अपन यहाँ पे फिलेट दे देंगे 2 का देन ओके। तो ये थोड़ा स्मूथ एजेस हो चुका है। देन सिलेक्ट स्केच, जो नीचे वाली जो थिकनेस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपन नीचे एक थोड़ा थिकनेस बढ़ा देंगे इसके नीचे की। इसको थोड़ा टर्न कर दो अपोजिट साइड ओके। देन यहाँ पे प्रोजेक्शन दे दो। सिलेक्ट फेस देन ओके। डायरेक्ट प्रोजेक्ट ये कर दिया। देन इसको एक्सट्रूड कर दो ये फेस सिलेक्ट करके। एट से एक्सट्रूड कर दो। देन डायरेक्शन चेंज देन यूनाइट, हाँ यूनाइट ही रखने दो। यूनाइट यानी जॉइंट, मर्ज होना ठीक है। अभी इसको थोड़ा क्योंकि इसको ड्राफ्ट दिया था अपन ने पहले पार्ट को, तो इसको भी अपन यहाँ पे ड्राफ्ट दे देंगे। यहाँ पे 8 का ड्राफ्ट दे दो ओके। आ चुका है बराबर देन ओके। इसको हाइड कर दो ओके। देन यहाँ पे कॉर्नर एजेस पे भी आप फिर थोड़ा ये करना है आपको, मतलब थोड़ा पंच होता है नीचे के साइड में, तो वो दे देंगे अपन थोड़ा प्रॉपर में। हाँ सिलेक्ट देन स्केच सर्कल निकाल दो यहाँ पे एक। देन रैपिड डायमेंशन दे के यहाँ पे सॉरी रैपिड डायमेंशन जैसे इसका डायमीटर दे दो 50 mm। देन ओके सिलेक्ट करके इसको थोड़ा पंच कर दो, मतलब एक्सट्रूड कर दो सब्सक्राइब डायरेक्शन चेंज। देन डिस्टेंस डाल दो यहाँ पे 2 mm
ओके देन अभी यहाँ पे थोड़ा फिल इन दे दो। अप्लाई ओके ठीक है पंचाचे का इसको हाइड कर दो। ओके ग्लास बन चुका है अभी और आप यहाँ पे आपको कॉर्नर एजेस देना है दिस साइड टू के ही सिलेक्ट देन अगेन सिलेक्ट। ओके अपन कॉर्नर एजेस दे चुके हैं अपन ने ग्लास हो चुका है रेडी। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन देन एट ठीक है एजेस सभी के ऊपर रहता है ग्लास में ठीक है रेडियस एजेस रेडियस। ओके चलो यहाँ पे एज रेडियस हो गया फिनिश कर दो। यहाँ पे एक थोड़ा जो वाटर लेवल होता है वो अपन निकालेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर दो स्केच जो वाटर लेवल निकालना है तो इसके लिए अपने को यहाँ पे एक स्केच निकालना होगा। यहाँ पे मैं डायमीटर यहाँ पे डायमीटर डाल दो 50 mm फुट हाँ 50 mm कर दो देन ओके देन इसको एग्जिट करके एक्सक्लूड कर दो। देखने हुआ क्या इसको ऊपर कर दो यहाँ पे डाल दो 35 ओके देन यहाँ पे आपको ड्रॉप दे दो -8 mm ओके देन ओके ये वाटर लेवल है ठीक है वो मटेरियल देने के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल ऐसे दो थोड़ा गैप है तो इसको सर्कल का थोड़ा अपन एडिट करके बढ़ा देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर दो एंड सर्कल का डायमीटर बढ़ा दो यहाँ पे 60 करके देख लो क्लोज देन फिनिश 60 वो थोड़ा बाहर आ गया है यहाँ पे 60 चलो इसको और कम कर देते हैं डबल क्लिक कर दो देन यहाँ पे डाल दो 58 देन क्लोज देन फिनिश। चलो ये क्लियर आ चुका है ओके वाटर लेवल। चलो अभी इसको मटेरियल अपन अप्लाई करते हैं एंड रेंडरिंग करते हैं ओके यहाँ पे आपको रेंडर के ऊपर सिलेक्ट करना है देन स्टूडियो टास्क के ऊपर सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन क्लोज कर दो देन यहाँ पे सिस्टम मटेरियल आपका जो मटेरियल चाहिए वो दे सकते हो जैसे ग्लास का मैं क्लियर ग्लास मटेरियल यहाँ पे दे रहा हूँ ड्रैग करके उसको मटेरियल अप्लाई कर दो कोई भी दिक्कत आती है रेंडरिंग में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को ठीक है एंड यहाँ पर आप वाटर लिक्विड आपको डालना है ग्लास के अंदर यह लिक्विड मटेरियल है यहाँ पे तो ये लिक्विड में ड्रैग करके डाल देता हूँ ये देखो लिक्विड मटेरियल अभी आपको इसको रेंडर में डाल देना है तो रे यहाँ पे सिलेक्ट कर दो थोड़ी देर के बाद रेंडरिंग स्टार्ट हो देखो ओके और अपन चेक करते हैं प्रॉपरली नहीं दिख रही तो ऐसे आपको चेक करना है सीन्स एडिट करना है आपको पीछे का तो ऐसे करते रहना है जो आपको अच्छे लगे और आप सिलेक्ट करके इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्लेन पे ऊपर सिलेक्ट करके
यहाँ पे थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा डार्क रखता हूँ, फिर ग्लास वाइट रखेगा शाइनिंग एंड जो ब्लैक में अच्छा दिखता है। तो चलो इसको अभी अपन रेंडर में रख देते हैं। ओके दोस्तों, देख लो आप रेंडरिंग। ओके चलो दोस्तों, ये देखो काफ़ी अच्छी रेंडरिंग हो चुकी है इसमें। ऐसे आप ट्राई करो दो तीन रेंडरिंग मटेरियल अप्लाई करके, आपको हो जाए तो कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।